देखिए बच्चों, ये नाप लेना है। नाप लेने के बाद इसकी ड्राफ्टिंग पेपर पैटर्न तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद कपड़ा तैयार करना जाता है। कपड़ा तैयार करने के बाद लेआउट की कटिंग की जाती है, फिर सिलाई की जाती है। तो हम इसको सीरियल से देखते हैं, ठीक है ना। इसमें ड्राफ्टिंग पेपर पैटर्न तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग पुराने अखबार या ब्राउन पेपर पर ही करनी चाहिए। इस प्रकार की गलती होने से ठीक किया जा सकता है। नाप लेने के पश्चात नाप के आधार पर ब्राउन पेपर पुराने अखबार पोशाक की आकृति हो जाती है, जिसे आलेख या ड्राफ्टिंग कहा जाता है। ये आएगा बच्चों आपके लिए, ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं। आलेख बनाते समय पेंसिल रबड़ इंच के स्केल की आवश्यकता होती है। सारे कर्व गोलाई गहराई अच्छे से बना लेने की आवश्यकता होती है। या आलेख सही हो तो पोशाक भी सही रहती है। अतः पूर्ण असली के बाद आलेख को काम में लेना चाहिए। कटिंग के बाद पैटर्न की आकृति के साथ हाथ के पेपर पैटर्न कहा जाता है। इसी पेपर पैटर्न को वस्त्र रख कर ड्राफ्ट किया जाता है। तत्पश्चात वस्त्र की कटिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग निम्नलिखित की जा सकती है। छोटे स्केल पर ड्राफ्टिंग, इस प्रकार ड्राफ्टिंग नोटबुक में या फाइल के बना लेने चाहिए। छोटे स्केल पर 1 इंच से 1 सेंटीमीटर बनाकर की जा सकती है। पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग, पूरे ड्राफ्टिंग में सेंटीमीटर नापों को ब्राउन पेपर अखबार पर तैयार किया जाता है। कपड़ा तैयार करना, कपड़े की कटिंग या सिलाई से पूर्व कपड़े को तैयार करना आवश्यक होता है। अधिकांश सूती वस्त्रों की धुलाई के पश्चात सुखड़ जाते हैं। इसके लिए बिना सुखड़ कपड़े को कटिंग करने इसका सिल रहता है, इसके पश्चात धोया जाता है। यह पोशाक से सिलने से नाप लेने से सिकुड़ने के कारण कम हो जाती है, जिससे कि लंबाई कम हो जाती है। चौड़ाई से सिकुड़ने के वस्त्र तंग हो सकता है, इसलिए वस्त्र को सर्वप्रथम बाल्टी में पानी गुनगुने इतने पानी में डुबो कर रखना चाहिए और इसको कम से कम 2 घंटे के बाद इसको सुखा देना चाहिए। अच्छे निचोड़ कर और फटकार कर उसकी नमी से प्रेस कर लेआउट तैयार कर लेना चाहिए। लेआउट कपड़े की कटिंग टेबल या समतल फर्श पर सही तरीके, लेआउट भी आएगा बच्चों, ये आ सकता है आपके, ठीक है। लेआउट समतल फर्श पर सही तरीके से तंगे बिना तहों पे आवश्यकता अनुसार फैला दीजिए। कपड़े की लंबवत रखना चाहिए। फिर तैयार सभी पैटर्न के हिसाब से कपड़े पर सेट कर लेना चाहिए। इसे सारे हिस्से सेट हो जाते हैं। प्रत्येक हिस्से की चौक की सहायता से निशान लगाने चाहिए। वस्त्र पर पैटर्न बिछाते समय वस्त्र की लाइन चेक प्रिंट ध्यान में रखना चाहिए। रेखाओं को प्रिंट की दिशा आदि पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कटिंग से पूर्व देख लें कि पैटर्न के सभी भाग सही ढंग से हैं तथा कोई छूटे तो नहीं है। इसके बाद भी लिए गए निशान कैंची से काट लेना चाहिए। जब पैटर्न कपड़े के बिछाए हुए तो 2 तरह के निशान पर लगाना चाहिए। एक वो रेखा जिन पर हमें सिलाई करनी है, दूसरी रेखा जिन्हें हमें काटना है। सिलाई रेखा के बाद दबाव यह तुरपिन करने से निमित्त 1/2 इंच या 2 इंच तक के अतिरिक्त निशान लगाने की आवश्यकता होती है। कटिंग रेखाएं कहला जाती है। परिधान की सही कटिंग और आकर्षक पैटर्न के सही पैटर्न की ड्राफ्टिंग कहते हैं। सिलाई सही कटिंग के बाद कपड़े को सही चिन्हित भागों में सिलाई रेखाओं के मशीन चलाते हुए आपस में जोड़कर सफाई के साथ सिलने की आवश्यकता। टांकों का प्रयोग करते परिधानों को पूर्ण करें। देखिए बच्चों, ये ड्राफ्ट पेपर है, इसको रखा और इसके ऊपर सिलाई किया। इसके एक एक चीज़ हमने काट के रख दिया है ताकि ये बिल्कुल सही से हो, ख़राब नहीं हो, है ना। पेपर पैटर्न बिछाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे पास ये पता चल जाए कि हमारे पास कितना कपड़ा बच रहा है, कहाँ से हम कौन सा कपड़ा निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि छोटे छोटे कपड़े भी हमें इधर उधर ढूंढना पड़ जाता है। और बिल्कुल लेआउट पेपर पैटर्न तैयार करने के बाद ही कटिंग कपड़े को बिछा के उसकी कटिंग करनी चाहिए, ठीक है। ये कपड़ा है, कपड़े के ऊपर कागज़ बिछा हुआ है, उसके अनुसार कटिंग कर सकते हैं कहाँ से वो कपड़ा निकल रहा है, ठीक है। तो ये आज आपका हुआ है। सिलाई के टांके देखो बच्चों, बहुत सारे के सिलाई के टांके होते हैं। ये कच्चा टांका होता है। कच्चा टांका क्या काम आता है? कच्चा टांका होता है तुरपान या कोई भी कार्य करने से सफाई से फिनिशिंग के लिए पहले कच्चा टांका किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरी सिलाई की जाती है ताकि फिर उसके बाद वो फिनिशिंग से कार्य करे। ये है बखिया टांका। बखिया टांका उल्टी तरफ से आता है, ठीक है, सुई की तरफ से ऊपर ऊपर घुमा के निकलता है बखिया टांका। बहुत मजबूत टांका होता है, हाथ से अगर करें तो ये मशीन के बराबरी करता है। उसके बाद तुरपन है, तुरपन से फिनिशिंग आती है, ठीक है। फिर चोर सिलाई होती है कि कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें सिलाई की आवश्यकता होती है, तो हमें चोर। और यह है कि कपड़ा जो ख़राब होता है इंटरलॉक करके उसको सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद है बटन, कांच बटन लगाना, ये ठीक है। ये कांच बटन लगाने के लिए एक निशान की प्रक्रिया होती है। ये देखिए बटन होता है। बटन लगाने की प्रक्रिया में यह है कि इसको बटन लगा लिया जाता है, फिर उसके जो घुंडी होती है, जो इसके नीचे की घुंडी होती है, वहाँ पे धागा लपेटा जाता है ऊपर करके, ताकि वो आई के अंदर हम जब डालेंगे तो वो उसको वो खुले नहीं। तो ये बटन के पीछे की तरफ लगा के और इसको डाला जाता है। हुक आई,
ये हुक आई है, ये हुक आई है, ठीक है, आई बनाने के लिए इसको लगाया जाता है। उसके बाद यह है जिप है चैन लगाने के लिए, ये रफू है, कपड़ा फट जाता है तो उसको इस तरह से सिला जाता है। ये पैबंद है, कोई कपड़ा फट जाता है कट जाता है तो उसको हटा के दूसरा कपड़ा उसे के फिट किया जाता है, ये पैबंद लगाया जाता है, ठीक है। और कपड़ा उसी पैटर्न का होना चाहिए, उसी का कपड़ा रहेगा उसको हटा के दूसरा कपड़ा जोड़ के इसको, इससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये है एप्रिन बनाने के लिए ड्राफ्टिंग है, ये एप्रिन आपने तैयार किया फाइल के लिए, आपने ड्राफ्टिंग भी आपको लोगों को लिखना है, ये सब चीज़ें कितना इंच आपने ये लिया, कितना गोलाई लिए है, ठीक है। एप्रिन के लिए तैयार नाप ये रहता है 32 लंबाई, लंबाई चौड़ाई 24 है, अनुमानित कपड़ा 1 मीटर लिया है, ठीक है। प्लेन कपड़ा 0.5 मीटर लिया है, पाइपिंग लगाएंगे, आलेख तैयार करेंगे, आलेख अ से ब, आलेख है अ से ब, कितना है लेना है 12 लेना है, अ से द 32 है, अ से द 32 सेंटीमीटर लंबाई है। और उसके बाद है अ से ब 5 सेंटीमीटर है अ से ब तक, ठीक है। तो ये आपका एप्रिन का तैयार हुआ है, ये आपके कोर्स में है, ठीक है। और ये र से स 10 सेंटीमीटर का आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अपना तैयार कर लेना, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है।